हाइड्रोफेशियल के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके ही क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगी और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगी हाइड्रोफेशियल के बारे में। सो कीप वॉचिंग। आई एम डॉक्टर आमना सूल, एफसीपीएस डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम द स्किन लाउंज, एंड आई एम हेल्पिंग यू गाइस टू हैव अ बेटर हेयर, स्किन एंड नेल्स। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाइड्रोफेशियल क्या है और इसे हमें क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, क्या स्किन चेंजेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए और किन मकासद के लिए हम इसको अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोफेशियल, जैसा कि इसके नाम से कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि एक फेशियल है, फेशियल की एक किस्म है और जिसमें आपके फेस का मसाज किया जाता है, और कुछ हाइड्रा का जो वर्ड है इसमें यूज़ हुआ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हम सीरम्स यूज़ किए करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बेसिकली ये एक ऐसा फेशियल है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट कंट्रोल कह सकते हैं कि अंडर द सुपरविजन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी एस्थेटिक फिजिशियन की सुपरविजन में किया जा रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें क्या रखनी है इसके अंदर, और इसमें हमें रिजल्ट्स कौन से हैं वो क्या मिल सकते हैं और कितनी देर तक रिजल्ट्स रहते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बेसिकली हाइड्रोफेशियल एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक पर्सन के अंडर सुपरविजन किया जाने वाला फेशियल है। इसमें फेशियल किया जाता है एक मशीन के जरिए, बहुत से लोग आप में से करवा भी चुके होंगे और बहुत से लोगों ने देखा होगा लेकिन करवाया नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें किया क्या जाता है कि एक मशीन होती है जिसके साथ कुछ प्रॉप्स यानी कि कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगे होते हैं जिससे आपके फेस का मशीन के जरिए से मसाज किया जाता है। उसकी ऊपर वाली सुपरफिशियल बहुत बारीक सी लेयर होती है, उसको रिमूव किया जाता है, जिसे हम डर्मेब्रेजन भी कहते हैं। माइक्रो डर्मेब्रेजन कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ही बारीक सी लेयर इसमें हम रिमूव कर रहे होते हैं जो कि आमतौर पर विजिबल नहीं होती। और इसके अलावा इसमें साथ साथ इंजेक्ट किए जा रहे होते हैं कुछ सीरम्स, जिसमें समटाइम्स वाइटनिंग एजेंट्स जैसे कि कुछ पील्स होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड कंटेनिंग कुछ सब्सटेंसेस इसके अंदर डाले गए होते हैं, और समटाइम्स कुछ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए चीज़ें डाली गई होती हैं। तो ये डिफरेंट स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सीरम्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, जिसमें हम पिगमेंटेशन को टारगेट कर रहे होते हैं या स्किन की डलनेस जो है उसको टारगेट कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम चूज़ करते हैं कि कौन सा हमने सीरम्स में यूज़ करना है। तो ये तो हो गया कि हम किन मकासद के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर बात आ जाती है कि किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले आपकी स्किन की डर्मेब्रेजन की जाती है, उसके अंदर सीरम फिर इंजेक्ट किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और फिर उसमें थोड़ी सी उसमें कुछ सीरम डाल के उनको एब्जॉर्ब भी कराया जाता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। फिर एंड पे लाइट थेरेपी भी की जाती है, और समटाइम्स इसको कंबाइन कर दिया जाता है कुछ सेंटर्स में विद फोटोफेशियल, जिसमें आपको फोटो फेशियल एंड पे इसका एक पार्ट होता है, उससे आपकी स्किन थोड़ी सी लाइटनिंग की तरफ जाती है, या इनफ्लेम्ड स्किन के लिए हम डिफरेंट टाइप की लाइट रेज यूज़ करते हैं। तो एक्नी वगैरह के लोगों के लिए भी हम इसको फिर यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उनकी इन्फ्लेम्ड एक्नी थोड़ी सी सेटल हो जाए। बेसिकली कौन से लोग हैं जो इसके लिए अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, ये मैं आपको इस बारे में आपको मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ कि बेसिकली जो ये फेशियल है ये एक इट्स जस्ट लाइक एनी अदर फेशियल, ठीक है। तो इसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, इट्स नॉट एनीथिंग जो आपकी स्किन के बहुत डीपली कुछ असर करेगा, या इससे जैसे समटाइम्स क्लेम किया जाता है कि इससे रिंकल्स कभी ख़त्म हो जाते हैं या पिगमेंटेशंस को बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली अपेरेंटली आपको थोड़ी सी स्किन की फ्रेशनेस आ जाती है, ग्लो आ जाता है, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, तो आपकी स्किन पहले से फ्रेश नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा पिगमेंटेशन वगैरह है या कोई मिलाज़मा वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर हाइड्रोफेशियल से कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं आएंगे कि आपका मिलाज़मा रिमूव हो जाए, या बेशक आप उसके मल्टीपल सेशंस भी अगर आप करवाते हैं तो भी कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स इसके नहीं आते। ये सिर्फ आपकी स्किन को थोड़ा फ्रेश करता है, कॉमिडोन्स इससे रिमूव होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपकी सुपरफिशियल स्किन जो सी है उसकी लेयर जब रिमूव होती है तो नीचे से नई स्किन आती है, उससे आपकी स्किन स्मूथ लगती है, और जो फ्लेकी फ्लेकीनेस स्किन की आ रही होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और एक फ्रेशनेस सी आ जाती है जो कि जिसका दुरानिया तकरीबन मैक्सिमम 15-20 दिन तक आपकी स्किन फ्रेश लगती है, उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जस्ट लाइक एनी अदर फेशियल, इट्स एन अदर फेशियल। अच्छी चीज़ इसमें यह है कि डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन हो रहा था, तो कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं हो रहे होते। तो अगर आप एक जस्ट एक फेशियल के तौर पर इसको करवाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए हो सकती है। और लेकिन कीप इट इन योर माइंड कि इसके जो भी इफेक्ट्स हैं
वो तकरीबन 15 टू 20 डेज से ज़्यादा नहीं चलेंगे और इसमें आपकी स्किन फ्रेश होगी नो डाउट, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स इस तरह के नहीं आने वाले। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप रिंकल्स की वजह से परेशान हैं या अपनी स्किन पे कोई मिलाजमा या इस तरह की परमानेंट किस्म की पिगमेंटेशंस की वगैरह की वजह से परेशान हैं तो उनको कतई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हाइड्राफेशियल से। सो वो एम्स लेकर आप ना आए करवाने। अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप डिफरेंट और ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ लेजर्स भी हैं, कुछ क्रीम्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो उसमें हेल्प कर सकती हैं, लेकिन हाइड्राफेशियल आपके रिंकल्स को भी और जो पिगमेंटेशन है उसको इफेक्ट करने में या उसको कम करने में कोई खास उसका रोल नहीं है इसमें। बात आ जाती है कि मैं रिकमेंड करती हूँ हाइड्राफेशियल को या नहीं, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि एक स्मूथ सी स्किन हो जाए और थोड़ा सा फ्रेशनेस नज़र आए स्किन पे, तो फिर आप ज़रूर करवाएं हाइड्राफेशियल, क्योंकि ये एक डॉक्टर कंट्रोल्ड फेशियल है, इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ हो रहे होते, तो एक थोड़ी सी सेफ ऑप्शन हो जाती है अदर देन गेटिंग एनी फेशियल फ्रॉम अ पार्लर। तो लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हमने अपनी रिंकल्स कम करने हैं या अपने मिलाजमा को ट्रीट करना है या कोई इन्फ्लेमेशन के बाद पिगमेंटेशंस वगैरह स्टार्ट हो गई हैं उनको आपने कम करना है, इवन फ्रैकलिंग वगैरह को भी, तो उन पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपके ये एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप बिल्कुल ना करवाएं हाइड्राफेशियल, क्योंकि आपको ये एम्स अचीव नहीं होंगे। फिर बहुत से पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि प्राइस रेंज क्या होती है हाइड्राफेशियल की, तो डिफरेंट सेंटर्स पे डिफरेंट है। मोस्टली इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 5-6 thousand से लेकर, और कुछ लोग 12-15 thousand तक भी हाइड्राफेशियल ऑफर कर रहे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स के कुछ तो सेटअप्स ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी प्राइसेस थोड़ी ऑलरेडी ज़्यादा होती हैं, और कुछ में ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की जा रही होती हैं, सीरम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, उस हिसाब से इसकी प्राइस रेंज रखी जाती है। तो ये डिफरेंट सेटअप्स पे डिपेंड करता है। और बस मेरी एडवाइस है कि आपने अगर करवाना हो हाइड्राफेशियल तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पिगमेंटेशन, रिंकलिंग या किसी इस तरह की परमानेंट प्रॉब्लम या डीपर स्किन प्रॉब्लम्स के साथ है तो फिर आप इसके लिए ना जाएं, क्योंकि फिर आप मायूसी होगी अदरवाइज। आई होप टुडेज वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आप कंसल्टेशन चाहते हैं अपनी किसी स्किन प्रॉब्लम के लिए तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सारी वीडियोज़ देख सकें।